ओ मेरी प्यारी दोस्तों, आपण समस्त को आर्यन एजुकेशन चैनल तरफ स्वागत जनाऊँ। तो आज आम ओ ट्रिपल एस आसवाक मेनली आरआई एआरआई अमीन ईएसयू एवं एसआई एग्जाम आसवाक मोस्ट 20 जनरल साइंस एमसीक्यू आलोचना करवा। तेज चलतु आज फास्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। ठीक अच्छे, आज फास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिडेंस? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर कौनटा हम थोड़ी चिंता कर, यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी ओम। कौन है वो? ना यार ठीक उत्तर होची ओम। ठीक अच्छे, तेब नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल? तो केते टेम्परेचर बोले, केते डिग्री टेम्परेचर बोले सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल टेम्परेचर इक्वल होता है, समान होता है? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन डी -40°। -40° है यार ठीक उत्तर। ठीक अच्छे, तेब नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज टाइप ऑफ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्राफिक ऑन द रोड साइड? तो आम जो बाइक रे गाड़ी चलाइला बेले बाइक रे जो मिरर लगी थाए से मिरर रे क्यों लेंस रे व्यवहार करा जाए? यार ठीक उत्तर कौनटा है? क्यों लेंस रे व्यवहार करा जाए? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर होची कॉनवेक्स मिरर। कॉनवेक्स मिरर बा कॉनवेक्स लेंस रे व्यवहार करा जाए। ठीक अच्छे, तेब नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज गैस इज इनवॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? जो भोपाल गैस दुर्घटना होता से क्यों गैस लीक होता, क्यों गैस सेठे लीक होता? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर कौनटा है? सर चिंता कर, यार ठीक उत्तर कौनटा है? थोड़ी चिंता कर, मिथाइल आसोसिएट, ऑप्शन सी मिथाइल आसोसिएट हे। ठीक अच्छे, मिथाइल आसोसिएट या को C2H3NO लिखा जाए हला। ठीक अच्छे, तेब नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज फॉर्म ऑफ कोल कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? तो क्यों कोयला रे सब अधिक कार्बन रही थे? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर होची आंथ्राक्साइड। आंथ्राक्साइड कोल रे सब अधिक कार्बन रही थाए बा या एक उत्कृष्ट धरणर कोयला। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम? तो क्यों मीडियम बा कहा द्वारा आम साउंड रो शब्दर गति अधिक होता है? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर कौनटा है? ऑप्शन सी स्टील। कौन है? स्टील हे यार ठीक उत्तर। स्टील परिवर्ते ये कौन दे पारे? सॉलिड मध्य दे पारे, सॉलिड हला। कौन दे पारे? सॉलिड जो ऑप्शन था सॉलिड हम ना स्टील दे थ आयरन दे थ सबू जदि उड दे थे यहाँ से ऑप्शन हे। ठीक अच्छे, सब सॉलिड रे अधिक गति करी थाए। ठीक अच्छे, तेब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस यूज टू ए पर्सन सुफरिंग फ्रॉम मायोपिया? जो व्यक्ति मायोपिया रोग से आक्रांत होता है, मायोपिया माने कौन? दूर जिनिस देखि पारे ना, दूरदृष्टि रोग, जो दूर जिनिस जे देखि पारे ना, तो से मायोपिया रोग पई क्यों प्रकार लेंस बा चश्मा व्यवहार करा जाए? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन ए कॉनकेव लेंस। कौन है वो? ना कॉनकेव लेंस व्यवहार कले से ठीक रे देखि पारिबो। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ व्हिच टू मेटल? ब्रास क्यों दुईट मेटल एलॉय अटे? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक। कौन है? ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक होची यार ठीक उत्तर। ठीक अच्छे, तो ब्रास क्यों दुईट मेटल एलॉय ना कॉपर एंड जिंक रो। ठीक अच्छे, तेब नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज एलिमेंट इज डिपोजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाभानिजेशन? तो यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी जिंक। ठीक अच्छे, जिंक रो व्यवहार करा जाय थाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज इंडोक्राइन ग्लांड इज अल्सो नोन एज मास्टर ग्लांड? निम्न मध्यरु काहाकु मास्टर ग्लांड कहा जाए? यार ठीक उत्तर कौनटा है? यार ठीक उत्तर होची पिट्यूटरी ग्लांड। पिट्यूटरी ग्लांड को मास्टर ग्लांड भी कहा जाए। ठीक अच्छे, तो पिट्यूटरी ग्लांड क्योंठी थाए? आम शरीर क्यों अंग रे पिट्यूटरी ग्लांड थाए? यार ठीक उत्तर कौनटा हे? ना ब्रेन रे थाए। ठीक अच्छे, कौंटी थाए? ब्रेन रे आम पिट्यूटरी ग्लांड
था ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वाट इज द कमन नेम अफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कमन नेम कौन एटी उत्तर होची कौन हम ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडार अन्न हूँ कौन सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। तो सन बा सूर्य रे के पद्धति रे एनर्जी सृष्टि होता है एटी उत्तर कौन एटी उत्तर कौटा हे ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन पद्धति रे एनर्जी सूर्य रे एनर्जी सृष्टि होता है ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर केमिकल नेम कौन विनेगर केमिकल नेम कौन एटी उत्तर हूँ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हूँ विनेगर केमिकल नेम ठीक अच्छे। तेज नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आम ग्रीन हाउस इफेक्ट रही से क्यों गैस रेस्पॉन्सिबल अटे एटिक उत्तर कौटा होटिक उत्तर कौटा हो चिंता कर बहुत इजी क्वेश्चन। एटिक उत्तर हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ को आम सीओ टू मध्य ठीक अच्छे। कार्बन डाइऑक्साइड बा सीओ टू अटे ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विच गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब रे बल्ब भितर क्यों गैस थाए एटिक उत्तर कौटा हो इलेक्ट्रिक बल्ब भितर क्यों गैस थाए एटिक उत्तर ऑप्शन बी आर्गन थाए कौन थाए ना आर्गन गैस थाए ठीक अच्छे। तेज नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विज नन एज द फादर अफ जिओलोजी। जिओलोजी फादर बा पिता क्या कह जाए एटिक उत्तर कौटा हो ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन सी आरिस्टोटल। आरिस्टोटल को जिओलोजी फादर कह जाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी आमर रही है ह्वाइट ब्लड सेल आम सर जो ह्वाइट ब्लड सेल रही डब्ल्यूबीसी तार लाइफ टाइम केते एटिक उत्तर हूँ कौटा हे ठीक उत्तर ऑप्शन ए टू रु 15 डेज। टू रु 15 डेज हारा हारी देखिले पाँच रु छः दिन हुए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल आम शरीर थोड़ा रेड ब्लड सेल जीवन केते दिन एटिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी 120 डेज। 120 डेज ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। आम मनीष शरीर आम मनीष मान जो ईयर रही तार शुणा कैपेबिलिटी केते रु केते हार्ट पर्यंत से शुणी पारे शब्द को शुणी पारे तो यह ठीक उत्तर कौटा हे ठीक उत्तर ऑप्शन बी 20 हार्ट रु 20,000 हार्ट पर्यंत शुणी पारे 20 हार्ट कम शब्द को शुणी पारे ना 20,000 अधिक साउंड शब्द को शुणी पारे ना ठीक अच्छे। तेज नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वाट इज द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर रो नेचुरल कलर कौन एटिक उत्तर कौटा हे लिटमस पेपर नेचुरल कलर कौन ना ऑप्शन डी पर्पल। पर्पल हूँ लिटमस पेपर रो नेचुरल कलर ठीक अच्छे। तेज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन आटम। हाइड्रोजन आटम्रे कतोटी नाइट्रोजन न्यूट्रॉन थाए एटिक उत्तर कौटा हे एटिक उत्तर हूँ जीरो। जीरो टी न्यूट्रॉन थाए ठीक अच्छे। तो जदि भिडियोटी भल लगता है तो निश्चित भाव में सब्सक्राइब करवा आपको यह अनेक भिडियो देखापी लाइक करने को भूलना ना ठीक अच्छे। थैंक्स फॉर वाचिंग।